दोस्तों मूवी सिर्फ फनी या टाइम पास के लिए ही नहीं होती, बल्कि मूवी से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। कई बार कोई मूवी आपको इतनी भी अच्छी लग सकती है कि उस मूवी को देखने के बाद में आपके अंदर वापस से कुछ करने का स्पिरिट जाग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का वायरल वे चैनल में, जहां पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 मोटिवेशनल हॉलीवुड मूवीज के बारे में। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट, इनविक्टिस। साल 2009 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 है। ये मूवी नेल्सन मंडेला की लाइफ पर बेस्ड है। इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे एक इंसान 27 साल जेल में रहा और उसके बाद 77 साल की एज में जेल से बाहर आकर के दक्षिणी अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बना, और उसके बाद तो उसने दक्षिणी अफ्रीका का फ्यूचर ही बदल के रख दिया। दोस्तों हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें एक पल के लिए लगता है कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। इस मूवी से आपको सीखने को मिलेगा कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के दम पे तो दुनिया कायम है। नंबर सेकंड, द इम्पॉसिबल। सन 2012 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। साल 2004 में जो सुनामी आई थी, इस मूवी को उस घटना के ऊपर बनाया गया है, और ये मूवी को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ये कहानी एक परिवार की जो छुट्टियां बनाने के लिए बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। जब वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से कुछ आवाज आती है, मौसम में कुछ परिवर्तन होता है। तभी उनको देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ी पानी की लहर आती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है। कई सारे लोग डूब चुके हैं, सब एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, और जहाँ पर उनका सर्वाइव करना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। चारों तरफ पानी पानी है, पेड़ पौधे जानवर इंसान सब कुछ तहस नहस हो चुका है। दोस्तों अक्सर हम न्यूज़पेपर टीवी में सुनामी बाढ़ जैसी खबरों को देख करके अफसोस जताते हैं, पर दोस्तों सोच के देखिए उन लोगों पे क्या बीती, उन लोगों ने क्या खोया, उनके परिवार ने क्या खोया, कितनों ने अपनी जिंदगी को और कितनों ने अपने परिवार को, ये हम कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए। नंबर 3, द रेवेनेंट। साल 2015 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.0। टफ सिचुएशन में भी एक इंसान को जिंदा रहने की कहानी, जो माइकल पंखे की द रेवेनेंट नाम की नॉवेल पर आधारित है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके घर को आग लगा दी जाती है और उसके बेटे को मार दिया जाता है, और जिसको लोग बर्फीली जगह में अकेले मरने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। घने जंगल और बर्फीले तूफान में उस व्यक्ति को काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, लेकिन वह व्यक्ति आखिरी सांस तक जीने की कोशिश करता है और उसके बाद अपने बेटे के कातिलों से बदला भी लेता है। यह फिल्म हमें संघर्ष करना सिखाती है। ये फिल्म दिखाती है कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको भी हमेशा ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मूवीज के रिव्यू मिले सबसे पहले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।